हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा क्रोशिए से बना हुआ है जो ये थालपोश दिखाने जा रही हूँ। ये है जो मैंने कोई 30 साल पहले बनाया था। ये देखिए कितनी पतली और बारीक ऊन से ये बना है। देखिए, मुझे बहुत साल बाद ये अपने अलमीरा में मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं। ये बना है टिकियों में। बनाने में तो इजी है, पर उस टाइम है जो मोटी वूल में नहीं, इस वूल में इसको बनाया जाता था, बनाते थे हम लोग। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कितनी मेहनत किया करते थे, इतनी बारीक वूल, इतना बारीक क्रोशिए से हम इसको तैयार किया हुआ है। और देखिए आज भी है जो ये 30-35 साल भी बिल्कुल जीव का त्यों बना हुआ है। कितना ही ब्यूटीफुल और सुंदर सा चार टिकियों का बना हुआ चौरस थालपोश। ये देखिए कैसा लगा आपको, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको है इस तरह के प्रोजेक्ट देखना है। यदि आपको पसंद है तो मेरे पास ढेरों बने हुए हैं इस तरह के, क्योंकि बनाते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वूल भी पता नहीं अब आती है इस तरह का धागा या नहीं। उस टाइम बड़ी रीलों में, लच्छियों में वाला DMC का धागा आता था। अब तो हम मोटी वूल, बेबी वूल या क्रोशिए वाली वूल भी एक आती है, उसी में ही मैक्सिमम है जो क्रोशिए के प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस तरह का यदि आप ये डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि मैं मोटी वूल में इसको बना के दिखा सकती हूँ। डिज़ाइन बहुत इजी है और बहुत प्यारा बन के आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।